आपका YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये गर्मी का महीना है, जून का महीना है, तो प्रकृति माता मनुष्य के लिए ऐसे फल देती है जो गर्मियों में लाभ देते हैं। जैसे आज मैं आपको फलों के राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आम जो है वो फलों का राजा होता है। दोस्तों, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आम न खाया हो। और आम एक ऐसा फल है जिसे मुँह में डालकर खाने के बाद बार बार चूसते हैं। आप किसी भी फल को इस तरह बार बार नहीं खा सकते, लोग आपसे घृणा करेंगे। लेकिन आम एक ऐसा फल है कि गुठली को मुँह से बाहर भी कर लेते हैं, फिर दोबारा चूसते रहते हैं। और दोस्तों, आम की बहुत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। बुलंदशहर ज़िले में स्याना क्षेत्र आमों के बारे में मशहूर है। यहां पर 500 प्रकार की आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार का आम होता है, टैटी आम होता है, दशहरी आम होता है, लंगड़ा आम होता है, और विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं। जैसे काला आम भी होता है, पीला आम भी होता है, सिंदूरी कलर का आम भी होता है, और लाल रंग के कलर का भी आम होता है। देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर है, देखिए आपके सामने, देखिए सिंदूरी कलर का, देखिए पृथ्वी तत्व को इंगित करता है। तो दोस्तों, आम कई प्रकार से प्रयोग होता है। हमने देखा है बचपन में आम की चटनी सौंफ डाल करके, हरी मिर्च डाल करके किसान भाई गांव के लोग खाते थे। कलेवा में तो आम की चटनी ही चलती थी। और आम का अमचूर भी बनाया जाता है। आम को छील करके इसकी खटाई को सुखा लेते हैं, जो आलू में, दाल की सब्जी में प्रयोग होता है। और आम का अचार गांव में पड़ता है, शहरों में भी पड़ता है। हमारी दादी माँ आम का अचार बिना केमिकल के डालती थी, और 3-3 वर्ष तक तेल में डुबो करके प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों, आम में अधिक फाइबर होता है, जिनको कब्ज रहती है वो आम खाएं तो विशेष लाभ मिलता है। आम को खाली पेट कभी नहीं खाना चाहिए। खाली पेट खाने से आम पेट में दर्द कर सकता है। और 1 घंटे पहले तथा 1 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना चाहिए। आम को आप सलाद बनाकर भी खा सकते हैं। आप आम को कई प्रकार के रूप में खा सकते हैं। जैसे आम और दूध की बनाई जाती, आम और दूध का शेक बनाया जाता है। और आम खाने के बाद दूध भी अवश्य पीना चाहिए। और दोस्तों, ये कुछ हानि भी करता है। जैसे आम के साथ अगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो पेट दर्द होगा। आम के साथ मिर्च नहीं खानी चाहिए, करेला भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बेमोल भोजन है। आम जो है मीठा होता है और करेला कड़वा होता है। जैसे शहद और घी कभी नहीं खाना चाहिए, उसी प्रकार आम और करेला कभी नहीं खाना चाहिए। और मित्रों, आम खाने से हार्ट अटैक कंट्रोल होता है, इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। आम में कैलोरी बहुत होता है। और दोस्तों, आम का जो कलर है वो येलो कलर है, जो स्टमक और स्प्लीन का है। आम खाने से आमाशय के सभी रोग ठीक होते हैं, तिल्ली के सभी रोग ठीक होते हैं। और दोस्तों, आम में विटामिन B6 होता है, जो दिमाग को ठीक करता है। शुगर वाले आम कम से कम खाएं, क्योंकि आम में डायरेक्ट शुगर है। आम खाने से शुगर बढ़ सकती है। आम में आयरन और कैल्शियम भी अधिक होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है।
छोटे बच्चों को एक दो आम अवश्य खिलाना चाहिए, जिससे लंबाई भी बढ़ती है और बुद्धि भी तेज होती है। आम खाने से लू में लाभ मिलता है। और दोस्तों, अगर आप अधिक आम खाएंगे तो इससे दस्त हो सकते हैं, और बहुत अधिक आम खाएंगे तो शरीर में गर्मी भी बढ़ सकती है। तो मित्रों, हमको फल अवश्य खाना चाहिए। मनुष्य का जो पूर्ण भोजन है वो फल है। हमारे ऋषि मुनि भगवान राम कंदमूल फल खाते थे, भगवान श्री कृष्ण फल खाते थे। पहले तो अपने आश्रमों में सन्यासी लोग फलों पर ही निर्भर रहते थे। और दोस्तों, मनुष्य ही एक ऐसी जाति है जो खाना बनाना जानती है, बाकी जीव जंतु पेड़ पौधों पर प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। आप बंदर को भी देखिए, बड़े प्यार से आम खाता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जयपाल सिंह आर्य, जय हिंद, जय आर्य।